हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में कुछ रंगोली टूल के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर, आप जो टूल यूज़ करते हो वो प्रॉपरली हमें दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता, क्योंकि वीडियो थोड़ा फास्ट रहता है। इसलिए इस वीडियो में हम एकदम लाइव सीखेंगे कि टूल को यूज़ किया कैसे करते हैं और वो क्या क्या टूल होता है। तो इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे कि टूल को यूज़ कैसे करते हैं और शेडिंग भी सीखेंगे कि जो छन्नी होता है वो छन्नी से शेड कैसे करते हैं। तो सबसे मेन टूल है ये फनेल, जो इसको हिंदी में चारी बोलते हैं, मराठ में चारी बोलते हैं, हिंदी में नली बोलते हैं। तो एक्चुअली ये दुकान में इस प्रकार के आता है नली, तो हमने इसके ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने इसको काट दिए यहाँ से। और ये थोड़ा लंबा होता है पकड़ने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा काट के छोटा करते ताकि हाथ के अंदर आए और वो प्रॉपरली हमें चलाने में आसान हो। ठीक है, ये सबसे पहला टूल है। दूसरा टूल है डॉट बनाने का। ये बड़ा डॉट बनाना है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, और यदि छोटा डॉट बनाना होता है तो ये जो सॉस बॉटल होता है इसका जो ढक्कन आता है ये कैप निकाल देना है, और ये जो ढक्कन आता है बस ये रेडीमेड ही रहता है, इसमें छेद भी रहता है और इसमें रंगोली लेना है। जब हम कुछ लिखते हैं, मैं लिखता हूँ रंगोली में, तो ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बारीक आता है। ठीक है, ये दो मेन टूल है। और रंगोली फिलर, जो रंगोली ज़्यादा जगह है तो रंगोली फिलर से फिल करते हैं। तो जब रंगोली फिलर खरीदते हैं तो ध्यान रखना है कि ये कोई कोई फिलर थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, तो हमें दोनों को ही ज़रूरत होता है। जहाँ पे कम गिराना है तो ये जो कम छेद है इससे यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा काम करना है तो ये जो बड़ा छेद वाला ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ये छन्नी, चाय छन्नी जो होता है, मैं ये दो यूज़ करता हूँ। एक तो ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो रंगोली हमारे मोटा रंगोली है वो जल्दी गिरता है, और जब हम दो रंगोली को ब्लेंड करता हूँ मैं, तब ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा धीरे गिरता है रंगोली। ठीक है, तो ये दो मेन टूल है डॉट बनाने के लिए फनेल, और ये सॉस बॉटल का कैप, रंगोली फिल करने के लिए रंगोली फिलर, और शेड के लिए ये दो छन्नी। इसके अतिरिक्त हम यदि एकदम बारीक डॉट बनाना है, बारीक लाइन बनाना है, तो ये जो नारियल तेल के बोतल है इसको गले से काट देना है, बस बाकी बन गया ये टूल। ठीक है, और जब हम कुछ डॉट को चम्मच के सहायता से कुछ फूल बनाते हैं तो ये चम्मच यूज़ करते हैं, और छोटा फूल है तो ये छोटा चम्मच यूज़ करते हैं। आप चाहे तो ये फेविगम का जो बॉटल है इससे भी आप डॉट बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये दोनों यूज़ करता हूँ डॉट बनाने के लिए, क्योंकि हाथ के अंदर रहता है और हमें पूरा कंट्रोल रहता है कि मुझे कितना बड़ा डॉट बनाना है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये अपने हाथ में कंट्रोल रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, फास्ट होता है। इसके बाद हम ये सारे चीज़ का यूज़ करके एक रंगोली बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक रंगोली बनाने का जो स्टेंसिल है रुको गोल वाला, थोड़ा बड़ा वाला है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। इससे पहले चौक की सहायता से क्राउन बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दो शेड सीखेंगे, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। ठीक है, तो रेड के साथ शेड के लिए हमें तो ऑरेंज चाहिए, तो येलो चाहिए, और ब्लैक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो तीन फूल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक दिया बनाना है, दियाली आ रही है तो दिया बनाएंगे हम, ना बनाएंगे यहाँ पर रेड रेड शेड करना है।
ओके, तो सबसे पहले जो हमारा रंगोली जो हम फिल करते या शेड करते हैं ये छन्नी, तो सबसे पहले हम छन्नी यूज़ करेंगे, ये बाद में बनाएंगे, पहले इसको शेड सीखते हैं। ठीक है, ये हमने जो मेन रेड है वो रेड ले लिए। इसके बाद जो ब्लैक के साथ शेड बनाना है तब हमें रंगोली लेना है रेड और इसमें थोड़ा सा ब्लैक, और छन्नी में ही हाथ से इसको मिक्स करना है, हाथ में जितना बचता है फिर से ले लेना अंदर। ठीक है, अब जैसे दोनों में गैप दिख रहे कलर में, तो क्या करना है, जितना हमें बचा था उसमें थोड़ा सा और रेड यूज रेड मिला दिए, तो ये क्या और फीका हो गया। तो जब हम इसमें भर देंगे तो क्या हुआ, अभी ये गैप नहीं दिख रहे। ओके, अभी यहाँ पर डार्क इसमें थोड़ा सा और डार्क करना है, तो हम ब्लैक लेंगे रेड लेंगे और इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लैक मिलाएंगे ज़्यादा डार्क करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जगह कम है तो थोड़ा सा ध्यान से देंगे ताकि ज़्यादा इधर ना आ जाए। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए हमें रेड के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिलाना है। ठीक है, थोड़ा ऑरेंज मिलाएं। ये हो गया, अब इसका जो मेन ऑरेंज है ये भी दे सकते हैं हम थोड़ा सा और लाइट करने के लिए। बाद ये जो हाफ सर्कल बचा था हमारे पास, हम बाहर से ब्लू देंगे, तो जब ये छन्नी से देने जाएंगे तो ये बाहर फैलता ज़्यादा, इसलिए बेटर है जब हम आउटलाइन करते तो ये जो फिलर है फिलर से आउटलाइन करेंगे। जो मोटा जो फिलर जो मोटे गैप के थे वो यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये कलर था इसको भी हम फिलर से यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को जो मिक्स करना है दोनों कलर फिर से 50-50 लेना है। ठीक है, ये मिक्स की अभी इसके बीच में भरना है। तो ये मिक्स हो गया, ये ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गैप दिख रहे हैं। अभी इसके ऊपर ये रख देना है। ठीक है, अभी जो मेन हमारा जो फनेल होता है बड़ा फनेल ये यूज़ करेंगे। रंगोली लेना है, हाँ, और एक बात है कि जो वाइट रंगोली है
ये दो तीन प्रकार के आता है, एक मोटे दाना का आता है और ये थोड़ा बारीक दाना है। तो इसको हम फनेल में लेंगे, ठीक है। और ये एक कॉटन बर्ड है, ये कॉटन बर्ड को कॉटन बर्ड से इस प्रकार के एक राउंड ले लेंगे ताकि जो आउटलाइन है और जो सर्कल है ये प्रॉपरली राउंड दिखे। इससे क्या होता है, एक फिनिशिंग आता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। ठीक है, एकदम छोटा डॉट यूज़ करना है साइड में। तो ये फने ये जो सॉस बॉटल का ढक्कन था ये यूज़ करना है, बस ऐसे लेना है, जितना लगता है इतना छोड़ना है और बंद करना है, छोड़ना है और बंद करना है, छोड़ना और बंद करना है। ठीक है, तो ये जब छोटा डॉट यूज करना है तो इससे बढ़िया डॉट बनता है। सिर्फ हमारे जो रंगोली कलर है वो फ्री होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो हमने फनेल के यूज किए, फनेल के यूज करके भी डॉट बना सकते हैं और सॉस बॉटल के भी यूज से डॉट बना सकते हैं। ठीक है, हमने ये फिलर का यूज़ देखे, फिलर का यूज़ कैसा होता है, और ये छन्नी का यूज़ भी किए कि कैसे छन्नी का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद बचा है जो हमारे चम्मच, चम्मच से हम फूल बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वाइट कलर के फूल बनाएंगे, तो गोल बनाने के लिए रख देते हैं कोई भी राउंड चीज, और इस प्रकार के फनेल से डॉट देना है। ये फूल हो गए, पत्ती हो गए, इसे पत्ती बनाना है शेड से। तो फिर पहले ग्रीन कलर देना है लाइट, उसके बाद डार्क दे देंगे एक साइड से। ये दोनों को मिलाना है तो भी आप 50% लेके दोनों को अब हाथ में ही शेड बना लीजिए और ये बीच में भर दीजिए, तो ये अच्छे से शेड दिखेगा। और इसको भी हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है तो आप लाइट ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा येलो मिला दीजिए और हल्का सा बाद यहाँ पर थोड़ा सा खाली दिख रहे, तो खाली न रहे इसलिए इसी कलर से रिलेटेड तो इस प्रकार बेल दे देंगे खुला ना दिखे और डिजाइन भी पैक हो जाए। अब चीज इससे भी बना सकते हैं।